एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ आई है पुष्पा टू को लेके। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। पुष्पा टू का जो प्लॉट है वो थोड़ा बहुत पता चला है, हालांकि पूरा नहीं। लेकिन आपको याद है ना महाभारत में, क्योंकि मुझे ना अभी याद नहीं है, महाभारत में भी एक ऐसा ये आता है कि वो जो पांडवों को, आई थिंक वो भी वनवास में जाते हैं, तो एक जगह पे ऐसा कोई है इंसिडेंट कि जहाँ पे वो वुमन का वेश बोलते हैं ना कि वेशभूषा बनाते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट है क्या? मुझे समहाउ थोड़ा बहुत याद है, बहुत पहले देखा है मैंने। तो यहाँ पे महाभारत रेफरेंस इन पुष्पा द रूल, लाइक अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो पुष्पराज डिसअपियर हो जाता है कुछ ईयर्स के लिए, पता नहीं अब क्यों वो हमेशा के लिए निकल गया है, मतलब गायब हो चुका है। और ड्रेसेस एंड डांसेस लाइक अ वूमन, मतलब वो अपने आप को छुपाए हुआ है। और व्हाइल ही किल्स एनिमीज व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब इस टाइप का जो भी उसके एनिमीज है उसको भी वो मारने वाला मार रहा है, लेकिन अपने आप को छुपा के। तो भाई कुछ तो दम है रे भाई पुष्पा में, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो साउथ का टेक्निक है ना वो बहुत हाई लेवल रहता है। कंतारा फिल्म इट वाज अ मास्टरपीस, और उसका पार्ट टू आने वाला है। और जब ये मुझे समहाउ लगता है, हालांकि क्या है कि वो आई थिंक वो कन्नड़ा फिल्म थी, ये तेलुगु है पुष्पा, पर समहाउ यार इनको ना एक अलग ही इनके राइटर रहते हैं, इनके पास तगड़ा दिमाग रहता है कि इनको पता है कि भाई ऑडियंस को ऐसा क्यूरियस कैसे करना है, कि नहीं भाई कैसे लोग एक्साइट हो जाएंगे। और ये होगा, अभी आप एग्री करो ना करो, आप कितने भी पुष्पा के अगर हेटर भी हो ना भाई, आपको करारा जवाब मिलेगा। आप चाहे मानो ना मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाई पुष्पा के हेटर इतने इत्तु से है, और बहुत ज़्यादा उसके सपोर्टर है, बहुत ज़्यादा यानी कि उसका कोई हेटर नहीं है, कुछ थोड़े बहुत होंगे भी, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने भी नहीं वाला। वो वैसे भी कोई भी फिल्मों को जाते नहीं है, और वो जो भी फिल्मों को जाएंगे आई थिंक उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे पार्ट वन अच्छा लगा था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं लगा था। पर जब से वो पार्ट टू में उसका जो एक वेयर इज़ पुष्पा से जो आया है ना लुक, तब से मैं क्यूरियस ही था कि यार कुछ तो है। जो अब थोड़ा सा प्लॉट रिवील होने लगा है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कुछ तो ज़्यादा ही है इस फिल्म में, मज़ा तो आने वाला है। और जिन लोगों को इस फिल्म को लेके प्रॉब्लम है भाई, आप अंडरग्राउंड हो जाना मूवी रिलीज़ होने के बाद 1-2 महीने के लिए, या फिर बर्नॉल है ही आपके पास। क्योंकि भाई क्या है ना कि ये एक ऐसी फिल्म है ना कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर करना है तो कर लो भाई इग्नोर, पूरा भारत तो नहीं करेगा इग्नोर। टेक केयर गाइस, शेयर कीजिए वीडियो।